वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल आरजे डू वर्ल्ड और मैं हूं आपका दोस्त आरडी। और आज हम सीखने वाले हैं एडवांस पार्ट ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप किसी भी डेटा को यहाँ से बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली इसे हम यूज करते हैं किसी भी डेटा को जस्टिफाई करने के लिए कि बुक किस जगह पे है या फिर उसका भी स्टेटस क्या है। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है जो यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय का सैलरी डिटेल दिखा रहा है, एम्प्लॉय नेम, सीटीसी और डिटेल। और यहाँ पे इसका सैलरी डिस्पैच स्टेटस, यानी कि वो क्रेडिट हो चुका है या फिर पेंडिंग और या फिर वेटिंग फॉर अप्रूवल। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम किसी भी सेल को हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे हाईलाइट करना है इंटायर रो को। अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे क्रेडिटेड जो भी है उन्हें हमें एक साथ में देखना है, वो भी हाईलाइटेड करके, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एडवांस पोर्शन। मैं आपको बता दूं, ये वाला ऑप्शन आपको बेसिक में नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेसिक ऑप्शन थोड़ा जानना चाहिए और आपको जानना चाहिए डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन। जिन लोगों को पता नहीं है डेटा वैलिडेशन से कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया जाता है, मैं आपको आज ही दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आज का ये फंक्शन इसके साथ ही कंप्लीट होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैलरी स्टेटस जो मुझे यहाँ से डिफाइन करना है, और मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक ड्रॉप डाउन। जहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन बनाना है, क्लिक ऑन दैट सेल, डेटा, डेटा वैलिडेशन एंड डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट अलाउ से आपको चूज करना है लिस्ट। नेक्स्ट क्लिक ऑन सोर्स। और मैंने अभी और एक सीट में ये तीनों ऑप्शन लिख के रखा था पहले से ही, सो आई सिलेक्ट दिस थ्री ऑप्शन एंड ओके। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक ड्रॉप डाउन बन चुका है जहाँ पे आपको दिखा रहा है क्रेडिटेड या फिर पेंडिंग या फिर वेटिंग फॉर अप्रूवल। मैं अभी इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। और इसका भी, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट। नाउ सिलेक्ट द एंटायर डेटा। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ऐसे हेडर सिलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नेक्स्ट इज न्यू रूल। अभी आपको ऐसे चूज करना है ये सिक्स वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देना है इक्वल, मैंने यहाँ पे रूल बनाया था इसके ऊपर ना, देन क्लिक ऑन फर्स्ट सेल जहां से आपको ये लॉजिक लेना है। अभी आपको इस जगह पे एक बार ध्यान से देखना है, देखिए यहाँ पे थ्री के आगे एक डॉलर साइन दिया हुआ है, आपको इसे डिलीट करना है, क्योंकि हम डॉलर साइन को एक्सेल में तब यूज करते जब हम इस सेल को यहाँ पे फ्रीज करना होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे इस सेल को फ्रीज नहीं करना है। तीन के आगे जो डॉलर साइन है आपको ऐसे डिलीट करना है, देन आपको तीन के बाद देना है और एक इक्वल साइन, फिर आपको लेना है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि आपको इससे इसको मैच करवाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, यानी कि अगर ये फॉर्मूला ट्रू हो जाए तो आपको यहाँ पे क्या फॉर्मेट देना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लेते हैं फॉर्मेट, उसके बाद यहाँ से फिल, और यहाँ से मैं चूज करता हूँ रेट, और फिर यहाँ से इसका फॉन्ट कलर मैं लेता हूँ वाइट, इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, देन ओके। अभी आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखा रहा है, देन ओके। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट था पेंडिंग, तो आपको भी यहाँ पे ये पेंडिंग दिखा रहा है। नेक्स्ट वी चूज क्रेडिटेड, तो देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है सारे क्रेडिटेड उसी फॉर्मेट में। नेक्स्ट वी चूज वेटिंग फॉर अप्रूवल, तो आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है। आप अगर चाहे तो आप इसे एडिट कर सकते हैं या फिर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं एक बार हम देख लेते हैं। सिलेक्ट द एंटायर डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल। आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है करेंट सिलेक्शन पे ये वाला यहाँ पे रूल है,
अब अगर चाहे तो आप इसे यहाँ से एडिट कर सकते, यानी कि आप इसका कलर, इसका फॉर्मूला चेंज कर सकते। अब अगर चाहे तो आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते। तो ये हो गया कंडीशनर फॉर्मेटिंग का एक एडवांस ऑप्शन। सो गुड बाय फ्रेंड, और मिलते हैं अगले वीडियो पर।